राम राम किसान भाइयों, तिवारी जी की लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, तो किसान भाइयों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही दमदार मशीन, आप मशीन बोल सकते हैं। आज आप लोग जानते हो कि आधुनिक युग है और आधुनिक युग में आप अगर आधुनिक खेती के साथ में, कृषि के साथ में नहीं जुड़े और अगर आपको आधुनिक खेती करना है तो आपको आधुनिक मशीनें भी खरीदना पड़ेंगी। तो इसी कैटेगरी में हमारे फील्ड मार्शल कंपनी हमारे साथ है और एक ऐसी दमदार मशीन बनाई है। आपने सुपर सीड ड्रिल तो बहुत सारे देखे होंगे, बट उस सुपर सीड ड्रिल के अंदर भी कुछ नई चीज कर देना अपने आप में एक रोचक होता है। तो इस रोचक जानकारी के लिए किसान भाइयों हम सर से मिलवाते हैं, जानते हैं इस मशीन के बारे में और कैटेगरी के बारे में। तो सर राम राम, क्या हाल चाल? राम राम जी, तिवारी जी नमस्कार और साथ की और साथ तिवारी की लाइव न्यूज चैनल जो देखने वाले दर्शक सारे दर्शक तो उनका भी साथ की साथ, साथ यहाँ पहुँचने पर और इस चैनल का तो मैं कंपनी की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बिल्कुल सर। तो सर जैसे कि मैंने देखा सुपर सीड ड्रिल मार्केट में बहुत सारी बिक रही है। हाँ हाँ हाँ, मैंने बहुत सारी, मैंने भी देखी है। हाँ, इस मेले में भी बहुत सारी। बिल्कुल, हमारे किसान भाइयों को भी देखी। बिल्कुल, आपने जो बताया हाँ, मुझे अलग लगा, इसलिए हाँ, इसका वीडियो बहुत सेपरेट आया है। हाँ, हाँ, तो सर थोड़ा सा इसके बारे में प्रकाश डाले। बिल्कुल प्रकाश, क्या है इसको है ना, बिल्कुल बारीकी से हमारे किसान भाइयों को बताएंगे और मेरे किसान भाइयों जो यह वीडियो आप देखोगे ना बड़ी रोचक बनने वाली है, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। इसने ज्यादा से ज्यादा तो आप शेयर करो, जो पहली बार इस चैनल को देखने लग रहे हैं मेरे किसान भाइयों इसने सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब भी करना भैया। तो सर चालू करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे देश का किसान, हाँ जी, पंजाब हो गया, हाँ, एमपी का हो गया किसान, हाँ, ये है आधुनिक, हाँ, पर यूपी का किसान, क्योंकि वो किसान मेरा दिल के करीब है, क्योंकि हाँ, यूपी का किसान अभी भी पुरानी पद्धति से खेती कर रहा है, आप हाँ, भी जानते होंगे, हाँ, अभी बीज हाथ से बोता है, हाँ, डालता है ना, हाँ, उनके लाइफ में कुछ चेंजेस लाना है, हाँ, हाँ, तो आपकी ये सुपर सीडर ला सकती है। बिल्कुल ला सकती है। हम आज इंदौर किसान मेले में हाँ, पहुंचने का हरियाणा हाँ, हाँ, अगर आप हरियाणा की और पंजाब की बात करें ना, हाँ, हरियाणा पंजाब के अंदर जो भी तकनीक आती है हाँ, वो ये समझो यूपी और मध्य प्रदेश के जो किसान भाइयों के पास में बहुत समय लग जाता है उसको पहुंचने में हाँ, और यही बात सही है। आज तक भी हमारे जो किसान भाई है वो छीता विधि से ही कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और लेकिन इस मशीन के साथ हमारे किसान भाइयों के लिए कोई भी बिजाई की और जुताई की मशीन खरीदने की जरूरत नहीं है। एक बार फील्ड मार्शल 813 ऑल इन वन सुपर सीडर खरीद लिया तो बस इसका बस यही है। इसके साथ में देखो इस सब गोल है बारीक से बारीक, अगर तिल की हम बात करें, अंदर से दिखाना, अंदर से दिखाओ एक बार, चढ़ जाओ ये देखो, इधर चढ़ जाओ भाई, इधर आओ, दिखाएंगे हमारे किसान, क्यों बहुत सारी जानकारियां हैं अपने किसान भाइयों। इस पेटी के अंदर तो खाद डाला जाता है और खाद की बिजाई करते हैं, इसके अंदर हम बीज की बिजाई करते हैं। जैसे हम बात करें गेहूं है, चना है, मक्का है, सोयाबीन है, ज्वार है, जो है जई है, इस प्रकार की फसल। और बात करें ये जो डिस्टेंस की कोई भी हमने बिजाई करनी है, क्योंकि बहुत सारी जो डिस्टेंसिंग बिजाई करते हैं, ये देखो ये इस सब गोल है, एक एक दाना करके यहाँ छोड़ देगी। और ये जैसे सरसों बाजरा की हम बात करें, ये तिल भी बो देगी, ये सरसों बाजरा बो देगी, ये बिजाई क्या है सभी प्रकार की करेगी। जैसे ये मक्का है, मक्के के साथ में जैसे हम मूंगफली बिजाई भी कर सकते हैं, जैसे मूंगफली मक्के के साथ जो ये चक्री लगी हुई है, ये चक्री बदलनी पड़ती है, इसको हम सीड डिस्क बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे आकार है बीज का उसी आकार का हम बीज के लिए हमारी जो ये डिस्क है ये बदल सकते हैं। बिल्कुल, तो ये मक्का है और मूंगफली भी बिजाई हो जाएगी इसी में। बिल्कुल, और ये है कपास, इसके साथ में अगर हम बात करें जैसे सोयाबीन है, मटर है, भिंडी है, इस प्रकार का बीज इसके साथ में हम बिजाई कर सकते हैं। ये मूंगफली इधर बिजाई होने लग रही है, ये चना है, चना इसके साथ में हम बिजाई कर सकते हैं, ये सोयाबीन है। और इसके साथ में अगर हम बात करें तिवारी जी, छोटा सा थोड़ा सा रोकूंगा सर, ये ब्रश क्यों लगाया है? ये ब्रश इस वजह से लगाए हैं ये एक भी दाने को मिस ना होने दे। इसके अंदर मान के चलो ये फंस गया कोई बीज, इसके अंदर फंस गया तो ये वहीं से टकराएगा, इसके अंदर डाल दे। ये हाँ, ये कलाकारी, जैसे हमने अपनी दांतों की सफाई करते हैं, कोई खाने में फंस ना जाए तो हमारा बीज इधर फंस ना जाए, जैसे हमारा खाना अंदर जाता है सभी का सभी, ठीक उसी प्रकार से बीज भी पूरा पूरा अंदर जाना चाहिए। ठीक है सर, आगे बढ़ते किसान भाइयों, तो
आप फ्रंट से चले। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, इसके साथ में तिवारी जी। हाँ सर, खास बात एक और है इसकी। बिल्कुल सर, ये ट्रैक्टर पे बिल्कुल लोड फ्री चलती है। अच्छा, 15 एचपी का इंजन इसके अंदर है। इंजन है इसका। अच्छा, ये ट्रैक्टर पर अगर हम बात करें, अगर 50 और 55 एचपी का है तो वो 60 और 65 एचपी का, 70 एचपी तक का और ट्रैक्टर अलग से एक्स्ट्रा, क्योंकि 15 एचपी के जो पावर है वो उसमें ताकत धकेलता रहेगा। और इसमें क्या है, जैसे अलग से भी मार्केट में सुपर सीडर है, अगर हमने अब अलग यूज करना है, सीडर का हमारी बिजाई का समय समाप्त हो चुका है और अलग से हमने खेत की जुताई करना है तो ये अलग से जुताई भी करेगा। जैसे हम बात करें इधर दिखाना भाई मेरे किसान। हाँ, अब ये नया रूप है, मतलब अभी तक किसी सीडर में ये सुपर में नहीं आया। देखने को तो ये इधर 3000 दिख रहे हैं, मैं वही दिखा रहा हूँ अभी, मतलब जो किसान भाइयों ये तो इसका पूरा रूप है। हाँ, ये अगर हम चाहते हैं भैया कि इसको हमको अलग अलग करना है तो ये अलग हो जाता है, ये अलग हो जाता है। ये देखो, ये अलग अलग किए हुए हैं। ये इसका दूसरा रूप है, रोटावेटर, रोटावेटर का रूप में है। दो रूप तो यही बन जाते हैं, ये हैरो भी बन जाती है, ये हैरो भी बन जाती है। दो 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 हजार तो यही बन गए, तो 2000 तो यही बन गए हैरो और एक ये था ही, एक ये था ही, 3000 हो गए, 4000 ये आ गया, ये 4 नंबर का औजार, 4 नंबर का औजार है। 1000 के साथ में 4000 तो वैसे ही आता है, बहुत ज्यादा सस्ते पड़ेगा। और इसके साथ में बात करें हम, जैसे मेथी है, धनिया है, जीरा है, सौंफ है, और अपना राजमा है, बहुत सारी जो दाल है वो दाल आगे पे हो जाएगा, बहुत सारी जो सब्जी है, हर प्रकार की फसल है, कुछ बचता ही नहीं मेरे किसान भाइयों, सभी प्रकार की आलू कोई नहीं बचता, सभी बिजाई करता है और साथ के साथ खेत की जुताई भी करता है, अलग अलग पार्ट में चला जाता है, अलग अलग पार्ट में चलता है। अच्छा, ये बात है, यही तो खासियत है, यही खासियत है। खासियत के एक और बताऊंगा, ये ट्रैक्टर के ऊपर लोड नहीं लेगा तो ट्रैक्टर का डीजल नहीं होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और ट्रैक्टर का लोड क्यों नहीं लेता वो इधर आके दिखाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। जैसे ये 15 एचपी का इंजन पीटीओ का गियर लगाएगा हमारा किसान, ये चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो रोला दिया हुआ है पीछे का, ये समझो एक बड़ा पहिया दे दिया, ये साथ के साथ ट्रैक्टर को धकेलता है, साथ के साथ ताकत 15 एचपी की जो ताकत है ये देता रहेगा। और फिर अगर हम इसकी बात करें, इसके अंदर हैवी गियर बॉक्स दे दिया, इसके अंदर भी 5 लीटर सर, और साइड की हम बात करें 7.5 लीटर, एक पिप्पा घी का आता है इसके अंदर, ये एक पिप्पा घी का लगा है। और ये यूट्यूब पे ब्लेड दिखा लग गया है, इधर भी दिखाओ, इसकी ब्लेड की भी तकनीकी अलग है, अलग है। अगर हम बात करें ये LJFC, अगर अदर सुपर सीडर की हम बात करेंगे, या तो L-टाइप मिलेंगे या J-टाइप, सिर्फ 2 ही आकार में मिलेंगे। इसके अंदर LJFC तीनों, चारों। और इसमें क्या है, ये जैसे भी रोटेट करेगा हर पोजीशन में अपनी दिशा चेंज कर लेगा, अपनी पोजीशन चेंज कर लेगा। इसका कारण ये दिखाना है, जैसे ये जमीन में चला हुआ है, ये इस हालात में ये जमीन में जा रहा है, और जमीन में आने के हालात में है तब ये इस तरीके से है। जैसे हम बात करें हमारे किसानों को समझाने की, जैसे फावड़े से हम अगर सीधा डायरेक्ट जमीन में मारेंगे वो बैक मारेगा, अगर कुल्हाड़ी से कोई पौधा काट रहे हैं और सीधा लगा दिया तो वो भी बैक मारेगा, अगर उसको थोड़ा सा पेपर मार देंगे तो बड़े आरामदायक काट देंगे, लोड भी कम आएगा, हाथों से ही पता चल जाएगा, तो बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी तरीके से ये काम करती है, बड़ी अच्छी तकनीक इसको इसके अंदर दी। मतलब आपने ये बनाने से पहले सारे चीजें सोची, कैसे फावड़ा मारना है, कैसे कुल्हाड़ी मारना है, फिर उसके बाद से। मैं एक किसान, बिल्कुल मैं कंपनी बाद में हूँ, पहले किसान। और इसका खास कारण भी यही रहा है, 2018 के अंदर जब इसका आविष्कार हुआ था तो इसका आविष्कार इसी कारण हुआ था, हम खेतों में जाके देखते थे हमारे किसान को क्या क्या परेशानियां आ रही है। बहुत सारी जो कंपनियां है अलग से गियर दे दिया, वो टूट जाता है, कभी चैन दे दी चैन टूट जाती है, और कभी क्या करेंगे, बहुत सारी कंपनियों को देखेंगे ना, अदर कंपनियों की अगर हम बात करें, इसको तो डायरेक्ट पावर इंजन दे दिया अलग से, तो वो क्या करेंगे, इधर से आके और इधर से एक पीटीओ के रूप में डालेंगे, और उसके अंदर क्या आएगा, पाया कितना, 250 ग्राम ऑयल या सीएनआई, तो उसकी क्या ताकत है, वो गर्म होगा,
ट्रैक्टर के अंदर 40 से 45-50 लीटर सीएल आता है, और जब खेत में काम करता है ना, उस गियर बॉक्स पे पैर नहीं रखा जाता, इतना गर्म होते हैं। अगर वो पहिया की हम बात करें, वो कितनी देर चलेगा, वो क्रम तोड़ देगा, तो इसके अंदर 7.5 लीटर मतलब इतना सारा सर ने इतना दिमाग से चीज बनाई है। और तीसरा रूप ये है, ये चौथा रूप, चौथा रूप ये आ गया। जैसे ये हवा में थी मशीन अपनी सीडर मशीन, इसको हमने जैसे डिस्क ड्रिल बनाना चाहिए आपने, ये खासकर यूपी में जो अपने किसान भाई है, यूपी में गन्ना बहुत पैदा होता है, और उस दौरान जो अपने किसान भाई ने क्या करते हैं, दिसंबर और तो जनवरी में या नवंबर के अंदर गन्ने की बिजाई करते हैं, और गन्ने की बिजाई के बाद में फिर क्या करते हैं, हम डबल फसल लेने की कोशिश करते हैं, हमारा किसान डबल फसल। अगर हम गन्ने के बिजाई हुए खेत हैलो चलाएंगे, तब वो हमारे बीच को डिस्टर्ब करेगा, गन्ने की बिजाई का उसको उखाड़ देगा। अगर ड्रिल से हम बिजाई करेंगे तब भी वो बीच को डिस्टर्ब करेगा, उखाड़ लेंगे, रोटावेटर लेके जाएंगे तब भी वो उखाड़ देंगे, काट देंगे। ये बिल्कुल भी कहीं भी हमारे बीच को नुकसान नहीं पहुँचाएगी, बड़े आरामदायक हमारे खेत के अंदर गेहूं की बिजाई कर देगी, बड़े आरामदायक, बहुत आरामदायक, और बीज को जरा सा भी ये टच नहीं करेगी उस गन्ने के बिल्कुल। अगर आप मेरे किसान भाई तिवारी जी का जो ये आज तिवारी जी की जो लाइफ, ये भी सही है लाइफ, और इस चैनल को आप देखते आओगे और इस वीडियो को आप शेयर करोगे, मेरे को दिखाओगे, तो विशेष रूप से आपको अपनी तरफ से कुछ न कुछ से आपको कोई भी किसी प्रकार में हम जरूर कुछ ना कुछ ऑफर मिलेगा, बस ये हमारा विशेष आगे, क्योंकि ये मेले के सामने तो वीडियो आ नहीं पाएगा, ये बाद में आएगा वीडियो, तो अब किसान भाई डेफिनेटली लेंगे सर, क्योंकि हमारे किसान भाई इतने प्यारे हैं, इतने समझदार हैं, अरे हर जगह के हमारे किसान भाई दर्शक हैं, और वो ऐसी चीज चाहते ही हैं। अभी हमारे पास कमेंट आ रहे थे सर, कौन सा सुपर सीडर लें, कौन सा रोटावेटर लें, तो आपने बताई दिया, इतनी सारी चीजें हैं फील्ड पे, सर के प्लांट पे जरूर जाएंगे, क्योंकि ये प्लांट देखने लायक होगा भैया हमारे लिए, और आपके लिए भी, हम जाएंगे तो आप भी देखोगे। बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें खास बात ये एक और है ना, जैसे बहुत सारे औजार है ना, हमारा जो किसान जब खेत में काम करता है, जमीन को तैयार करेगा, एक बार घर आएगा दूसरे औजार को लेके जाएगा, फिर उसको तैयार करके फिर वापसी आएगा, दूसरे औजार को लेके जाएगा, कल्टीवेटर लेके जाएगा, कभी हैरो लेके जाएगा, कभी मेडा लेके जाएगा, कभी रोटावेटर लेके जाएगा, कभी बिजाई मशीन लेके। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस अवस्था में भी हमारा जो किसान का समय भी और डीजल भी बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है, वो सभी की सभी बचत है इसमें। इसको खेत में भी हम अगर ये बात करें, सुपर सीडर से काम करें, बिजाई करें, और तुरंत खेत में क्या है यार, हमने ना धान का सीजन है, छड़ाई करनी है, मचाई करनी है, कद्दू करना है खेत को, ठीक है ना, तो उस समय तुरंत स्टैंड लगाओ और सीडर मशीन को पार्किंग कर दो, रोटावेटर को यूज कर लो, सभी काम एक आसान है। और एक अगर संपर्क बिल्कुल, मेरा जो नंबर है 98-967-82-070, 98-96-78-20-70, और ये नंबर दिखा दो 9896-78-2070, कभी भी किसी भी, क्योंकि ये है किसानों की कंपनी, बिल्कुल 12 नहीं, मेरे किसान भाइयों के लिए 12 बजे भी ऑफर, ये सही है, क्योंकि ये इसके असल मालिक अपने किसान है, हम अपने किसान भाइयों की सेवा में, हम भी एक किसान।